नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इवनिंग डोजी स्टार के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इवनिंग डोजी स्टार का नाम जापान के लोगों ने शाम को दिखाई देने वाले एक छोटे तारे के ऊपर रखा है। इवनिंग डोजी स्टार बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न तीन कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है। यह हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल एक स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होती है। इस कैंडल स्टिक में कोई रंग नहीं होता है। डोजी मतलब कि वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान हो। तीसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर जाकर अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए और बहुत सीमित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह कैंडल अपने ओपन प्राइस के बराबर ही बंद होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल होती है, जैसा कि जोड़ करने का निशान प्लस। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में इस दूसरी कैंडल का नाम स्टार होता है। यह दूसरी कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस कैंडल में कोई रंग नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरी कैंडल है वह दूसरी कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे नीचे जाकर अच्छी मंदी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह तीसरी कैंडल पहली कैंडल के मध्य भाग और ओपन प्राइस के बीच में ही बंद होना चाहिए। यह तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। यह तीसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम तीसरी कैंडल में होना चाहिए। दूसरी कैंडल में वॉल्यूम का इतना अधिक महत्व नहीं होता है।
तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली और तीसरी कैंडल में वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों आपने सीखा कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं कि वह सही से बना है या नहीं बना है। तो आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए और आपको चार्ट में जैसा इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है वैसा आप कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद जो पहली कैंडल है उसके लो से एक आड़ी लाइन खींचिए, फिर पहली कैंडल का जो ओपन है उससे भी एक लाइन खींचिए, फिर जो दूसरी कैंडल है उसके हाई से एक और लाइन खींचिए और आखिर में जो तीसरी कैंडल है उसके क्लोज प्राइस से एक लाइन खींचिए। इस प्रकार आपने चार लाइनें खींची हैं, लो, ओपन, हाई और क्लोज। जब आप इन चारों लाइनों को मिलाकर आप एक कैंडल बनाएंगे तो वह कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार की। और अगर पहली कैंडल का ओपन प्राइस और तीसरी कैंडल का क्लोज प्राइस एक समान हुआ तो वह कैंडल बनेगी ग्रेवस्टोन डोजी की। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल है वह बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजू, शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके साथ ही जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बनता है तब भी यह अच्छा परिणाम देता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह जब तक इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाए तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। इवनिंग डोजी स्टार
कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, दूसरी कैंडल बिल्कुल छोटी सी होना चाहिए, जोड़ के निशान प्लस के जैसी। नंबर दो, पहली कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर तीन, खरीदी करने के लिए इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल का इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है। नंबर चार, तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको लंबी तेजी के बाद चार्ट में इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको उसमें बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पांचवे नंबर की कैंडल इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है, तो आपको इसमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने इवनिंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।